हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ मैग्नाइट, जो हमारी XV नॉन टर्बो में है। अभी 2 दिन पहले ही हाल ही में मैंने गाड़ी की सर्विसिंग करवाई है। आज हमारी गाड़ी को पूरे 2 मंथ हो चुके हैं। 11 जनवरी को ये गाड़ी हमें डिलीवर्ड हुई थी और आज 11 मार्च है, तो 2 महीने हो चुके हैं। निशान के अकॉर्डिंग 2 मंथ के अंदर या 2000 किलोमीटर अगर चलती है गाड़ी आपकी, तो आपको सर्विसिंग करवाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आज उसी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ये आप ये देख पा रहे होंगे, मेरी गाड़ी अभी खड़ी हुई है गैरेज में। तो गाड़ी के अंदर जाके अपन इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसे क्या है। तो दोस्तों, हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही 9 मार्च को मैंने गाड़ी की फर्स्ट सर्विसिंग करवाई है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट सर्विसिंग का। जब मैं गया था तो वहाँ का जो सर्विस करने वाले लोग थे, वहाँ का स्टाफ जो था, काफ़ी कोऑपरेटिव था। उन्होंने पहले गाड़ी को चला के देखा और देखा कि गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही है। और इसके पहले भी मुझे भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैंने चलाया था तो मुझे कोई गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। तो उन्होंने भी काफ़ी गाड़ी जबरदस्त चल रही है। फिर उन्होंने 2 से 2.5 घंटे सर्विसिंग किया है, मेरी गाड़ी टाइम लगाया है, मतलब उस 2.5 से 3 घंटे में उन्होंने अच्छे तरीके से मेरी गाड़ी की सर्विसिंग की है, बढ़िया। और मैं सर्विसिंग से खुश हूँ। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2 मंथ में मैंने गाड़ी को करीब कितना चलाया है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्क्रीन में आप देखिए, गाड़ी में 1374 किलोमीटर आप देख पा रहे होंगे। अभी गाड़ी ये चल चुकी है, देखिए आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, हो सकता है आपको क्लियर दिख रहा होगा। 1350 किलोमीटर थी 2 दिन पहले, तो मैंने सर्विसिंग सेंटर गया था, वहाँ सर्विसिंग करवा के आया हूँ। तो अभी ये 1374 किलोमीटर टोटल चल चुकी है। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज की, तो गाड़ी मेरे को जो समझ में आया है 16 से 17 के बीच में ही एक एवरेज दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है और मैं सेटिस्फाई हूँ। गाड़ी को चला के मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि जब से ये गाड़ी आई है वास्तव में हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छा चेंजेस हुआ है और मज़ा आ रहा है लाइफ में, मतलब हम इंजॉय करने लगे हैं लाइफ को। तो यूट्यूब में भी मैं काफ़ी लोगों का वीडियो देखता रहता हूँ, काफ़ी लोग की जो डिलीवरी नहीं हुई है, जिन्होंने बुक करके रखा है निशान मैग्नाइट को, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बुक किया है तो आप उसको कैंसिल मत करवाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द हो सकता है डिलीवर्ड हो जाएगी। थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है, हमें इस बात का दुख ज़रूर है, लेकिन वास्तव में जब आपको गाड़ी मिलेगी तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि गाड़ी बहुत ही शानदार है, एक शानदार बजट में है। तो अगर आप जब आपको ये गाड़ी डिलीवर होगी तो आप वास्तव में पैसा वसूल गाड़ी होगी। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिर भी आपका पैसा आपका लगा हुआ है तो चॉइस आपकी ही होनी चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं इस गाड़ी को लेकर बहुत खुश हूँ और हमारी फैमिली काफ़ी अच्छी खुश है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था कि जो मैंने सर्विसिंग करवाई है, टाइमली करवा लिया है मैंने, और मैं अपनी सर्विसिंग गाड़ी की सर्विसिंग से काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, महसूस मतलब खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है निशान वालों से। और ये गाड़ी का कुछ हमने देखे, हमारी गाड़ी का लुक आप देख पा रहे होंगे, अंधेरा थोड़ा सा हो गया होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो सीट वगैरह कवर वगैरह लगाया है मैंने बाहर से लगवाया है, वहाँ से काफ़ी मुझे महंगा लग रहा था तो मैंने बाहर से मार्केट से लगाया, जो मुझे 4500 के आसपास ही पड़ा है सारी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा है। आप भी चाहें तो मार्केट्स में वो अवेलेबल हो चुकी हैं, तो आप लगवा सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो यही एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ आज शेयर करना चाहता था। तो ओके सर, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।